गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 11 फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट। सो लेट्स स्टार्ट। फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। मेनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर कंट्री। नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड by all the people of our country. Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti are our national festivals. Independence Day. On 15th August 1947, our country got freedom. Every year we celebrate this day as Independence Day. The Prime Minister of our country hosts the National flag at the Red Fort at Delhi. Republic Day. Our country became a republic on 26th January 1950. Every year we celebrate this day as Republic Day. A grand parade is held at Rajpath in Delhi. Our president takes salute of the parade. Gandhi Jayanti. On 2nd October, we celebrate the birthday of Mahatma Gandhi. This day is celebrated as Gandhi Jayanti. Mahatma Gandhi is called the father of the nation. On this day, people go to Rajghat and pay their homage to him. बच्चों, अब मैं इसकी हिंदी बताती हूँ। अपने देश में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेशनल फेस्टिवल। बच्चों, नेशनल फेस्टिवल वो फेस्टिवल होते हैं जो एक देश के सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती, ये सब नेशनल फेस्टिवल हुए। इंडिपेंडेंस डे, हम इंडिपेंडेंस डे 15th अगस्त 1947 को सेलिब्रेट करते हैं। इसी दिन हमारे देश को 1947 में आज़ादी मिली थी। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर इस दिन लाल किले पे नेशनल फ्लैग फहराते हैं। रिपब्लिक डे, बच्चों हमारा देश 26 जनवरी 1950 को एक रिपब्लिक कंट्री बन गया था। हम हर साल इस दिन को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। बच्चों, हम 2nd अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे मनाते हैं। इस दिन को गांधी जयंती कहते हैं। महात्मा गांधी हमारे फादर ऑफ द नेशन हैं। रिलीजियस फेस्टिवल्स। वी सेलिब्रेट मैनी रिलीजियस फेस्टिवल्स। दिवाली, क्रिसमस, ईद, गुरु पर्व, दशहरा, होली, गणेश चतुर्थी, ओनम एंड पोंगल आर सम इम्पोर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स। दिवाली। दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। पीपल लाइट कैंडल्स एंड दियास। दे गिव स्वीट्स एंड गिफ्ट्स टू their friends. Children burn crackers. People worship Lord Ganesh and Goddess Lakshmi on Diwali. Eid. Eid is an important Muslim festival. Eid is celebrated at the end of the holy month of Ramzan. Muslims go to mosque and pray there. They wear new clothes and serve sweets to each other. They greet each other by saying Eid Mubarak. A special sweet dish, sevaiyan, is prepared. Christmas, the birthday of Jesus Christ, is celebrated as Christmas.
It is celebrated on 25th December. Special prayers are held in church. Santa Claus bring gift for children. In every house, Christmas tree is decorated. Guru Parv. It is the festival of Sikhs. On this day, they celebrate the birthday of Guru Nanak. People take out big processions on the road. People go to Gurudwaras. Gurudwaras are decorated with lights. Holi. Holi is a festival of colors. It is celebrated in the month of March. Holi marks the victory of the good over the evil. It also expresses the change of the season. On this day, men, women and children play with colors. रिलीजियस फेस्टिवल. बच्चों, हम बहुत सारे रिलीजियस फेस्टिवल मनाते हैं. दिवाली. दिवाली लाइट्स का फेस्टिवल है. इस दिन लोग गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ देते हैं और बधाइयाँ भी देते हैं. ईद. बच्चों, ईद मुस्लिम का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है. इस दिन मुस्लिम मॉस्क जाते हैं, गले गले मिलते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, सेवइयाँ खाते हैं. क्रिसमस. बच्चों, 25 दिसंबर जीसस क्राइस्ट का बर्थडे पर क्रिसमस मनाया जाता है. गुरु पर्व. बच्चों, यह सिख का फेस्टिवल है. यह गुरु नानक जी के बर्थडे पर मनाया जाता है. होली. होली कलर्स का फेस्टिवल है, यह मार्च में मनाते हैं. इस दिन सभी लोग एक दूसरे को कलर लगाते हैं. This is how your chapter is finished.